हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में आपको सभी को मैं जानकारी है वो देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी का जो एग्जाम था, यानी कि यूपीपीएससी परमानेंट जो स्टाफ नर्स का जो आपका एग्जाम था वो करवाया गया था। 19 दिसंबर को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था और इसके अंदर जो पोस्ट आपकी थी 2240 आपकी पोस्ट थी, ठीक है, उसका एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा लिया गया था। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में था, तो फाइनली उसका जो रिजल्ट है यूपीपीएससी की तरफ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसके बारे में आपको यहां पर अपडेट देने में आया हूं और इसके देख लीजिए आपको कितने लोगों को यहां पर सिलेक्ट किया गया है प्री के लिए, ठीक है, प्री का यूपीपीएससी प्री का ये एग्जाम था और कितने लोग यहाँ पर क्लियर हुए हैं वो चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए कार्यालय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश की तरफ से 20 फरवरी 2024 को यहाँ पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिएगा जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 19 दिसंबर को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको परिणाम है वो देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की वो अभी एरर आ रहा है, तो इसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए, वहां आपको यहां पर पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी। तो ये देख लीजिएगा यूपीपीएससी के लिए स्टाफ नर्स एलोपैथिक मेल और फीमेल का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर आपको रोल नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर आपको कोई नेम वगैरह नहीं दिया गया है कैंडिडेट का, सिर्फ रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और रोल नंबर के हिसाब से ही आपको क्या करना है अपना जो रिजल्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग से यहाँ पर कोई भी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई हैं या फिर स्पेशल नेम के हिसाब से यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको नहीं दी गई हैं यूपीपीएससी रिजल्ट के लिए। यूपीपीएससी रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ आपके रोल नंबर यहाँ पर बताए गए हैं, आपको क्या करना है अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको या तो आप क्या कर लीजिएगा यहाँ पे डीएफ के अंदर सर्च कर लीजिएगा। अगर सर्च हो जाएगा जहाँ तक हो सके आपका जो रोल नंबर है सर्च हो जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो सभी कैंडिडेटों से निवेदन है अपना रोल नंबर जरूर देख लें या फिर अपना नाम वगैरह जरूर देख लें कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो यही एक छोटी सी अपडेट आपको प्रोवाइड करवानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय।